शांति 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 अनिर्वाच्य विद्यादितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ताय शेते वियदनिलतेजो बभनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमोच्चवचमिदं नमामस्तद्ब्रह्म परिमितसुखज्ञानमृतम्। ॐ शांति शांति शांति। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा जो सूत्र का तृतीय पद है, इसके ऊपर विचार चल रहा है। ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा विग्रह होता है इस पद का। ये सामासिक का पद है, सामासिक वृत्ति बोलते हैं इसको। व्याकरण में पांच प्रकार की वृत्ति होती है, कृदंत, तद्धितान्त, समास, एकशेष, सनादंत धातु, ये व्याकरण में आता है सब। तो ये समास है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये जो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई ब्रह्मणः, विग्रह वाक्य में भगवान महाशय ने कह दिया कि ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी न शेषे। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही कुछ ठीक से, क्या कह रहे थे? संक 88 88 88 बोल रहे हैं। चलो, तो ब्रह्मणा जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति हुई ब्रह्मणा। तो ये जो षष्ठी विभक्ति होती है किस अर्थ में है? दो अर्थ में होती है षष्ठी विभक्ति। एक तो कर्त्री कर्मणो कृति, जो कर्म कारक होगा उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है, कर्म कारक। और संबंध अर्थ में भी षष्ठी हो जाती है, षष्ठी से ऐसे दो सूत्र है, कर्ति कर्मणो कृति, षष्ठी से ऐसे। तो कुछ लोग मानते हैं वृत्तिकार आदि भगवान भाष्यकार भाष्य लिखने से पहले कुछ लोग आचार्य लोग ब्रह्मसूत्र के ऊपर व्याख्यान किए थे, तो उनके अनुसार यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति होती है शेष अर्थ में, उसका यहाँ पर निराकरण करते हैं कि ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी, मतलब कर्म अर्थ में षष्ठी। कर्म का मतलब कर्म कारक। कैसे कर्म कारक हुआ है कि जिज्ञासा कह रहे हैं ना, जिज्ञासा का अर्थ हो गया ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा है ना। तो किसके जिज्ञासा? जिज्ञासा का कर्म कारक, मतलब जिज्ञासा का विषय जो होगा उसको कहते हैं कर्मा, है ना। ऐसे समझ लो, तुमको ज्ञान हुआ। हाँ, ज्ञान हुआ किसका? कौन सा ज्ञान हुआ? घट ज्ञान हुआ। तो ज्ञान का विषय हो गया घट, है ना। इसलिए ज्ञान ये घट को कहेंगे कर्म कारक। इसी प्रकार भोजन इच्छा, भोजन की इच्छा है। तो उस इच्छा का कर्म हो गया, इच्छा का विषय हो गया भोजन, इसलिए भोजन को कहेंगे कर्म कारक को इच्छा का। ठीक इसी प्रकार से ये जिज्ञासा जो ज्ञान की इच्छा है ना। तो किसकी जिज्ञासा?
बोलते हैं ब्रह्म विषय की जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा हो रही है, इसलिए ब्रह्म हो गया कर्म कारक। तो ये सिद्धांती को कहना है ना। तो देख लीजिए, तो ये बात आती है यहां पर, तो कर्मणि अत्र हेतुम आह, कर्म अर्थ में ही सृष्टि विभक्ति है। इसमें हेतु बता दिया, जिज्ञास अपेक्षत्वा जिज्ञासा, ये बता दिया, जिज्ञासा अपेक्षा करती है जिज्ञास की अपेक्षा। जिज्ञास मतलब विषय, इच्छा का विषय है, कि विषय के बिना तो जिज्ञासा होगी नहीं, इसलिए कहते हैं जिज्ञासाया जिज्ञास अपेक्षत्वा। जिज्ञासा जो है जानने की जो इच्छा है वो अपेक्षा करती है जिज्ञास मतलब विषय की, यहाँ पर कह रहे हैं। तो टीका देख लो आप लोग, इच्छाया प्रतिपत्ति अनुबंधो ज्ञानम, ज्ञानस्य च गेयम ब्रह्मा। सबको मिल गया ना भाई पंक्ति। बोलते हैं देखो, इच्छाया ज्ञानम, इच्छा का विषय तो ज्ञान होता है। कौन सी इच्छा हो रही, किसकी इच्छा हो रही है, बोले ज्ञान की इच्छा, जानने की इच्छा हुई ना, इसलिए ज्ञान हो जाएगा विषय, प्रकार के रूप से, विशेषण के रूप से ज्ञान हो जाएगा विषय। ये बोले प्रतिपत्ति अनुबंध हो, प्रतिपत्ति का अर्थ होता है शब्द बोध है, ब्रह्म जिज्ञासा बोल रहे हो ना, है ना, ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो शब्द बोध हो रही है, ये शब्द बोध जो हो रही है ना, है ना, तो इसमें जानने की इच्छा बोल रहे हो, इसलिए वहाँ पर जो है किसकी इच्छा, ज्ञान की इच्छा है, इसलिए ज्ञान हो जाएगा इच्छा का, इच्छा के अंश में प्रकार हो जाएगा। जैसे मान लो, ये समझना पड़ेगा ना, जैसे घट ज्ञान बोल दिया, घट ज्ञान, ज्ञान का प्रकार होता है, नया लोग कहते हैं घट प्रकार ज्ञान, घट हो जाएगा प्रकार हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार जिज्ञासा कहने से क्या हुआ, ज्ञान की इच्छा हो रही है, तो इच्छा का विषय कौन हुआ, इच्छा के विषय ज्ञान हो गया, ये बोलते हैं। इसलिए प्रतिपत्ति अनुबंधो, अनुबंध का अर्थ होता है विषय, प्रकार के रूप से, विषय के रूप से, ये प्रकार के रूप से विषय हो रहा है ज्ञान, किसका, प्रतिपत्ति का, है ना। इसलिए बोलते इच्छाया प्रतिपत्ति अनुबंधो ज्ञानम, ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म की जानने की इच्छा, ऐसा कहने से है ना इच्छा का विषय ज्ञान हो रहा है, और उस ज्ञान का विषय कौन, गेयम ब्रह्म। इच्छा का विषय हो गया ज्ञान, और ज्ञान का विषय हो गया ब्रह्म, ऐसा हो, ये अर्थ यहाँ पर समझ कर रख लो। जिज्ञासा का अर्थ हो गया जानने की इच्छा, इच्छा का विषय क्या होगा, ज्ञान है, और किसका ज्ञान, बोले ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म को जानना चाहता है, ये बोलते हैं ज्ञानस्य च गेयम ब्रह्म, है ना, ज्ञान का विषय गेय ब्रह्म हो रहा है। अच्छा, न खलु ज्ञानम गेयम बिना निरूप्यते, गेय जो विषय है, विषय के बिना ज्ञान का निरूपण तो नहीं हो सकता है। हाँ, कोई कहेगा मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहते हो, पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई विषय तो हो, विषय हो विषय ना हो, और बोलते हैं मुझे जानने की इच्छा हो रही है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं गेयम बिना, विषय के बिना ज्ञान का निरूपण कैसे करोगे, वृत्ति रूपी ज्ञान कह रहे हैं, वृत्ति रूपी ज्ञान, वृत्ति रूपी ज्ञान तो विषय के बिना होगा नहीं। स्वरूपभूत जो ज्ञान है वहाँ पर कोई विषय नहीं है। वो तो अखंड ज्ञान होता है, निर्विषय ज्ञान, आत्मा रूपी जो ज्ञान है, हाँ, उसका कोई विषय नहीं, वो स्वयं ज्ञान रूप है, वो स्वयं प्रकाश है, वो है ना। लेकिन वृत्ति रूपी ज्ञान ही अज्ञान को दूर करता है ना।
अवासी पर ब्रह्म, ये वृत्ति रूपी ज्ञान है, इस वृत्ति रूपी ज्ञान का होता है विषय ब्रह्म होता है। ये बात यहाँ पर प्रश्न चल रही है। न खलु ज्ञानम ज्ञेयम बिना निरूप्यते, ज्ञेय हो गया विषय, विषय के बिना ज्ञान का निरूपण तो हो ही नहीं सकता है। और न च जिज्ञासा ज्ञानम बिना, और बोल रहे हो जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान की इच्छा, जैसे भोजन की इच्छा, भोजन की इच्छा कब को हो गए, जो भोजन हो तो ना भोजन कोई चीज हो तब तो कहोगे कि भोजन की इच्छा मुझे हो रही है। विषय के बिना तो इच्छा का निरूपण नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जिज्ञासा का अर्थ क्या हुआ, जानने की इच्छा, इसलिए इच्छा का विषय ज्ञान हो गया। इसलिए ज्ञान रूपी विषय के से विषय के बिना जिज्ञासा का निरूपण भी नहीं हो सकता, ऐसा लगा हुआ ठीक से। इति इसलिए प्रतिपत्ति अनुबंधत्वात् प्रथमं जिज्ञासा कर्म एव अपेक्षते। ये प्रतिपत्ति है, प्रतिपत्ति का अर्थ शाब्द बोध है ना, ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो प्रतिपत्ति हो रही है शाब्द बोध हो रहा है, इसका अनुबंध इसका विषय कौन है, जिज्ञासा है ना। इसलिए प्रथमं जिज्ञासा कर्म एव अपेक्षते, इसलिए सबसे पहले जिज्ञासा जो है कर्म की अपेक्षा करेगा, मतलब जिज्ञासा का जो विषय है जो है उसकी अपेक्षा करेगी जिज्ञासा, ये बोल रहे है ना। देख लो कर्म मतलब विषय, विषय रूप से जो कर्म है उसकी अपेक्षा करेगी जिज्ञासा, तो कौन है वो, ब्रह्म है। ब्रह्म हो गया कर्म, जिज्ञासा का विषय, ब्रह्म विषय को जिज्ञासा, ये अर्थ करना है ठीक है ना। न तो संबंधी मात्रम, संबंधी मात्र की अपेक्षा नहीं यहाँ पर हो रही है जिज्ञासा, कि ब्रह्म में प्रमाण क्या है, साधन क्या है, प्रयोजन क्या है, उसकी अपेक्षा जिज्ञासा नहीं करेगी। ब्रह्म जिज्ञासा कहने से जिज्ञासा तो ब्रह्म की ही अपेक्षा करती है, कर्म की ही अपेक्षा करती है ना। तत्ंतरणापि सति कर्मणि तन्निरूपणात्, इसलिए तत्लिए संबंधी, संबंधी मात्र के बिना भी, संबंधी मात्र के बिना भी कर्म कारक तो है ही, ब्रह्म हो गया कर्म कारक विषय के रूप से, इसलिए तन निरूपणा, इसलिए जिज्ञासा निरूपण हो गया बस। इसलिए जिज्ञासा तो केवल कर्म रूप जो कारक है ब्रह्म है, ब्रह्म की ही अपेक्षा करती है जिज्ञासा। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा का ये अर्थ है कि ब्रह्म विषयणी जिज्ञासा, ब्रह्म को ब्रह्म के विषय में जानने की इच्छा, बस इतनी इच्छा, इतना ही विषय है यहाँ पर। जैसे इसके विषय में विचार है, नहि चंद्रमसम आदित्यम च उपलभ्य, देखो चंद्रमा है ऐसा कह दिया, आदित्य है ऐसा कह दिया, ऐसा उपलभ्य ऐसा जान करके फिर इच्छा नहीं होती, कस्य अयम, ये चंद्रमा किसकी है, आदित्य किसका है वो कहाँ है, वो कैसा है, उसे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं होती है, कस्य अयम चंद्रमा किसकी है, आदित्य किसका है, ऐसी इच्छा नहीं होती है। इति संबंधी अन्वेषणा भवती, संबंधी के विषय में अन्वेषणा मतलब जिज्ञासा नहीं होती है, चंद्रमा का संबंध किससे है, आदित्य का संबंध किससे है, ऐसी कोई अन्वेषणा ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है, जिज्ञासा नहीं होती है, अन्वेषण कोई नहीं करता है। लेकिन जब ज्ञान कहेंगे तो झट से जो है अपेक्षा होती है, भाई किसका ज्ञान है, ये बोल रहे हैं। भवति तु ज्ञानम इत्युक्ते है ना, ज्ञान ऐसा कह दिया, इसको उपलक्षण लो भाई,
भवति तो ज्ञानम इत्युक्ते, ज्ञान का उपलक्षण कर दो इच्छा। जैसे इच्छा में देखो, हाँ, कोई बालक कहेगा मुझे, हाँ, मेरी इच्छा हो रही है, हाँ, तो माँ पूछेगी नहीं, हाँ बेटा के क्या खाओगे, किसकी इच्छा हो रही है वो पूछते हैं कि नहीं, देखो, है ना, इसलिए झट से जो है विषय की इच्छा होती है, ये बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से ज्ञान कि मैं जानना चाहता हूँ, हाँ क्या जानना चाहते हो, ये पूछा जाएगा ना, तुम्हारा ज्ञान का विषय क्या है। इच्छा कहने मात्र से, इच्छा हाँ, ऐसा कहने मात्र से जैसे विषय का अन्वेषण होता है कि क्या विषय है इच्छा का, ठीक इसी प्रकार से ज्ञानम, ज्ञान ऐसा कहने मात्र से, बोले किसका ज्ञान है ना, इसकी अपेक्षा होती है। इसलिए भवति तो ज्ञानम इत्युक्ते, ज्ञान ऐसा कहने मात्र से विषय अन्वेषणा भवति, विषय की अन्वेषणा, विषय की खोज है ये होती तो किस प्रकार है, किम विषयम पे, ज्ञान का विषय क्या है, क्या है, कौन सा ज्ञान है, किम विषयम, कह विषय यस्य इति ज्ञानम किम विषयम, बहुवरी समास है भाई, लघु सिद्धांत कौमुदी में यही चल रहा है, किम विषयम बहुवरी समास हो गया, कह विषय यस्य तत्किम विषयम। अच्छा, तस्मात् इसीलिए जो है प्रथमम अपेक्षितत्वात्, इसलिए सबसे पहले अपेक्षा होती है, क्या अपेक्षा होती है, कर्म तया एव ब्रह्मा संबद्धते, इसलिए कर्म के रूप से मतलब विषय के रूप से हैं ब्रह्म का संबंध होता है, ब्रह्म संबद्धते है ना, कहाँ पर, जिज्ञासा में, जिज्ञासा के प्रति ब्रह्म का संबंध होता है कर्म के रूप से, ब्रह्म विषयणी जिज्ञासा, बस इतना ही अर्थ करना है, न तो संबंधी मात्र, संबंधी के रूप से ब्रह्म का संबंध जिज्ञासा में नहीं हो रहा है, संबंधी के रूप से, पर संबंधी कहने से क्या होगा ब्रह्म के भी जिज्ञासा, ब्रह्म के प्रमाण में भी जिज्ञासा, साधन में जिज्ञासा, प्रयोजन में जिज्ञासा, है ना, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं करना है, ऐसा अर्थ करोगे तब तो भी जघन्य होगा, है ना, तो उसको गौण हो जाएगा फिर, तस्य जघन्यत्वात्, तस्य कहने सामान्य संबंध, सामान्य संबंध की कल्पना करोगे ये तो जघन्य वृत्ति होगी, गौण हो जाएगा, तथा च इसलिए जो है कर्मणि षष्ठी, कर्म अर्थ में मतलब विषय के रूप से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति को लेनी चाहिए ब्रह्मणा जिज्ञासा में। अच्छा भाई, ननु थोड़ी सी शंका है, देखो जो शेष अर्थ में षष्ठी मान रहा है उनकी ओर से ये थोड़ी सी शंका है, ननु सत्यम, क्या सत्य है, न जिज्ञासाम अंतरण जिज्ञासा निरूप्यते, ठीक है भी, जिज्ञास्य के बिना मतलब विषय के बिना जिज्ञासा का निरूपण तो नहीं होता है, जिज्ञासा नहीं होती है, विषय न हो और जिज्ञासा हो ऐसा तो कभी नहीं होता है, ये बात तो ठीक है, हम मानते हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है, लेकिन जिज्ञासांतरम तो अस्य भविष्यते, लेकिन जो जिज्ञास्यांतर है दूसरा कोई जिज्ञास्य, ब्रह्म तो जिज्ञास्य है ही हो, लेकिन ब्रह्म से अतिरिक्त भी तो जिज्ञास्य हो सकता है ना, ये बोलते हैं, है ना, जिज्ञास्यांतरम तो अस्य भविष्यति, अस्य कहने से जिज्ञासाया, है ना, इसलिए जिज्ञासा का निरूपण तो होगा, दूसरे जिज्ञासा भी से होगा, ब्रह्म भी जिज्ञास्य है, प्रमाण आदि भी जिज्ञास्य है, इसलिए सब जिज्ञास्य हो जाए, केवल ब्रह्म ही जिज्ञास्य ऐसा नहीं ब्रह्म के साथ साथ प्रमाण आदि भी जिज्ञास्य हो जाएगा, है ना, इसलिए क्या होगा, ब्रह्म तो शेषतया संबद्धता,
इति, ये ब्रह्म तो शेष के रूप से है ना संबंधित हो जाएगा जिज्ञासा के साथ, जिज्ञासा के साथ, क्योंकि सब जिज्ञास्य हो गए ना, सारे जब जिज्ञास्य हो गए है ना सामान्य, तो उसमें ब्रह्म भी आ गया ये पूर्व पक्षी कहता है। इत्यता हो ऐसा कहने से बोलते, हाँ बोलो। संबंधित हो जाएगा, हाँ सब संबत्स्यते, क्या लिखा है आपकी पुस्तक में, क्या दिया है, रुको रुको मैं देखता हूँ आपकी पुस्तक में, संबध्यते लिखा है, त्यस्ते नहीं है, संबंध बोल रहा हूँ, देखो म्यूट करो मैं बोल रहा हूँ, सम भ नकार तकार स्यते ऐसा करो, हाँ संबंध हो जाए, संबंधित हो जाएगा ये अर्थ है, लिट लिट लकार है, ठीक है। मतलब ब्रह्म शेष मतलब प्रधान के रूप से नहीं है ना, प्रधान के रूप से नहीं, गौण रूप से संबंधित हो जाएगा है ना। केवल ब्रह्म कहेंगे तो है तो मुख्य हुआ, और शेष कहने का मतलब क्या होगा है, मतलब सामान्य हो गया, मतलब क्या है सारे जिज्ञास्य हो गए, उनमें एक भाग हो गया ब्रह्म है कि नहीं, मतलब किसकी जिज्ञासा, केवल ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं, पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, भले ही यहाँ पर ब्रह्म जिज्ञासा बोल दिया लेकिन जिज्ञास्य मतलब जानने का विषय केवल ब्रह्म नहीं, ये पूर्व पक्षी कहता है, हाँ ब्रह्म के साथ साथ मतलब इसी का अभिप्राय ये शेष है, केवल ब्रह्म जिज्ञास्य होता तो ब्रह्म मुख्य हो जाता है ना, लेकिन पूर्व पक्षी कहता है केवल ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं है, ये अभिप्राय है, इतना समझ लो, भले ही भगवान सूत्रकार ने ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया लेकिन पूर्व पक्षी का अभिप्राय है केवल ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं है, है ना, मतलब जिज्ञासा का विषय केवल ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के साथ साथ प्रमाण भी है, फल भी है, साधन भी है, ये सब की जिज्ञासा होनी चाहिए, सबकी जिज्ञासा में ब्रह्म भी आ गया तो इसी का अर्थ है शेष है, आप समझ में ना राजू ये कहना, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है, ठीक है। और भगवान भाष्यकार का अभिप्राय है कि ऐसी बात नहीं है भाई, यहाँ पर जिज्ञासा तो केवल ब्रह्म ही है इसी का नाम है कर्मणि षष्ठी, है ना, बस ये अभिप्राय है, इतना अभिप्राय समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो माथा घूमेगा तो ये प्रसंग जल्दी समझ में को नहीं आता है ना। चलो भैया, तो सिद्धांति का अभिप्राय ये है, देखो भी यहाँ पर ब्रह्म ही जिज्ञास है, और तुम प्रमाण कह रहे हो, साधन कह रहे हो, ये तो आगे विचार है अभी काय को विचार करना है ये तो भगवान सूत्र का स्वयं आगे कह रहे हैं, चार अध्याय में, केवल एक अध्याय थोड़ी है, चार अध्याय, चार अध्याय में विषय कहा जाएगा अलग अलग यहाँ तो जिज्ञासा केवल ब्रह्म ही है ना, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए, बस इतना ही अर्थ करना है, साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, ज्ञान का फल नित्य है और अन्य साधन का फल नित्य नहीं है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए, बस इतना ही अर्थ करना चाहिए सूत्र का, ये सिद्धांति का अभिप्राय है ना। चलो इसलिए बोल दिया जिज्ञास्यांतर अनिर्देशाच, भाष्य में आया जिज्ञास्य और कोई दूसरा यहाँ पर निर्देश नहीं हुआ है, केवल ब्रह्म ही जिज्ञास्य है, ब्रह्म को ब्रह्म के विषय में ही जानना चाहता है यहाँ पर, है ना। चलो फिर आगे, फिर ब्रह्म का लक्षण क्या है,
है ना, प्रमाण क्या है, ये सब आगे विचार आएगा। चलो भाई, थोड़ी टीका है। निगुड़ा अभिप्रायश चोदयति, मन में है छुपा हुआ अभिप्राय को, निगुड़ का अर्थ है छुपा हुआ, एकदम छुपा है ना, तो निगुड़ अभिप्राय को रखता हुआ, छुपा हुआ अर्थ को मन में रखता हुआ वो शंका करता है। चोदयति, पूर्व पक्षी शंका करता है। देखो कैसे है, ननु भाष्य में देखो भाई, शेष षष्ठी परिग्रहे अपि ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम न विरुद्धते। अरे भाई, तुम्हारी बात हम कहाँ काट रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है ब्रह्म कर्म है ना, जिज्ञासा का कर्म, जिज्ञासा का विषय ब्रह्म है, इसका कहाँ विरोध हो रहा है, न विरुद्धते, कोई विरोध नहीं है। शेष षष्ठी परिग्रह भी, शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का ग्रहण करने पर भी है जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म है ही, इसमें कोई विरोध नहीं है ये बोलता है। क्यों, देखो हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, हम समझा रहे हैं। पूर्व पक्षी कहता है संबंध सामान्यस्य विशेष निष्ठत्वा, अरे भी विशेष रह जाएगा ना, संबंध सामान्य में विशेष भी हो जाएगा, है ना, सामान्यम न निर्विशेष, सामान्यम न निर्विशेषम, अरे सामान्य हो तो उसका कोई विशेष होगा कि नहीं होगा। जैसे बोलेंगे गौ है, गौ हो गया सामान्य हाँ, तो उसका कोई विशेष होगा कि नहीं होगा। सामान्य विशेष को छोड़कर नहीं रह सकता है, विशेष तो रहेगा ही रहेगा उसमें, ये बोलते हैं। हाँ भाई, कौन, हाँ कौन सी गौ, पूछेंगे नहीं पूछेंगे, हो गया ना, बैल है कि दूध देने वाली है कि कैसा है, लाल लाल है कि काली है कि कैसी है, तो पूछा जाएगा ना। मनुष्य हो गया सामान्य, बोले कौन सा मनुष्य है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, ये कहा जाता है कि नहीं, ये बोलते हैं। सामान्य में तो विशेष रहता ही रहता है, और सामान्य का कथन कर दिया तो उसमें विशेष भी आ गया तो मनुष्य कहने मात्र से ब्राह्मण का भी ग्रहण हो गया। इसी पे गया जिज्ञासा, जब सामान्य हो गया तो उसमें ब्रह्म भी आ गया ये बोलता है। इसलिए संबंध सामान्यस्य, संबंध सामान्य है विशेष अनिष्टत्वात्, तो उसमें तो विशेष रहता ही है ना, ये पूर्व पक्षी कहता है। इसलिए संबंध सामान्य करने से क्या हुआ, सारे जिज्ञासे हो गए, प्रमाण भी है, प्रयोजन भी है, साधन भी है, उसे ब्रह्म भी हो गया जिज्ञासे, ये कहना चाहता है ना। अच्छा, थोड़ी टीका ले लो। सामान्य संबंधस्य विशेष संबंध अविरुद्ध कहते ना, जो सामान्य संबंध होता है ना, विशेष संबंध का कोई विरोध नहीं होता है इसलिए जो है कर्मताया अभिघाते न, इसलिए ब्रह्म तो कर्म है, इसलिए कर्मत्व है ना, कर्मत्व न वो जो है उसका संबंध हो जाएगा जिज्ञासा में, इसलिए अभिघाते न, कोई विरोध न होने से जिज्ञासा निरूपण उपपत्ति है, इसलिए जिज्ञासा का निरूपण हो जाएगा। इले जिज्ञासा का कर्म, जिज्ञासा का विषय ब्रह्म तो हो गया, इसमें कहाँ विरोध हुआ, कोई विरोध नहीं है ना, ये बोलता है। अच्छा, अब सिद्धांती उत्तर दे रहे, और सिद्धांती जो उत्तर दे रहा है वो भी एकदम निगूढ़ अभिप्राय को मन में रखकर, तुम जैसे अपने अभिप्राय को मन में रख करके बोल रहे हो ना, हम भी अपने अभिप्राय को मन में रख करके बोलते हैं ये बोलते, देखो निगुड़ा अभिप्राय एव दुसयति, निगुड़ा अभिप्रायो यस्य अथवा यस्मिन, हाँ छुपा हुआ अभिप्राय को मन में रख करके, छुपा हुआ अभिप्राय जिसमें हो अथवा जिसका हो, ये भी बहुवरी है, निगुड़ा अभिप्राय यस्य, वो सिद्धांति है दुसयति, वो कहता है पूर्व पक्षी के प्रति
एवं अपि, अरे तुम इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो कि सामान्य संबंध ग्रहण कर दो, उसमें ब्रह्म भी आ गया। इतना घुमा फिरा क्यों कह रहे हो? ब्रह्म कर्म है ही, हो जिज्ञासा का विषय है ही, इतना ही तो कहना है कि संबंध सामान्य की कल्पना करो, उसमें भी ब्रह्म भी आ गया, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसको कोई द्राविड़ प्राणायाम बोलते हैं। नाक को पकड़ा सीधा पकड़ना, घुमा फिरा कर क्यों पकड़ना है ना, ये बोलते हैं। एवं अपि, ऐसा होने पर भी सामान्य संबंध में मान लो है ना षष्ठी को, फिर सामान्य संबंध में ब्रह्म भी आ गया, ऐसा क्यों कहना है? भाई जो प्रत्यक्ष है उसको ग्रहण कर लो ना। एवं अपि प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मतम उत्सृज्य। हाँ, प्रत्यक्ष पहला, सबसे पहले ओम नमो नारायण, पाठ चल रहा है, पाठ चल रहा है। एवं अपि मतलब ऐसा होने पर भी प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मतम कहते हैं, अरे पाठ चल रहा है, ब्रह्मण कर्मतम उत्सृज्य। ब्रह्म क्या है? कर्म है ना, उसको छोड़ करके कर्मतम उत्सृज्य, उसको छोड़ करके सामान्य द्वारेण, मतलब संबंध सामान्य, संबंध सामान्य को लेकर के परोक्षम कर्मतम है ना, और परोक्ष हो गया कर्मत्व, उसका उसकी कल्पना करना, कल्पय तो व्यर्थ प्रयास स्यात्, ऐसा प्रयास करना तो व्यर्थ है ना, ये सिद्धांती बोलता है। देखो सबसे पहले तो ब्रह्म कर्म है, इसलिए ब्रह्म में कर्म तो प्राप्त है ही हो, उसको छोड़ करके सामान्य द्वारेण संबंध सामान्य को लेकर के है कर्म तो परोक्ष है, कर्म तो बाद में हो रहा है, ऐसी कल्पना करना, ये तुम्हारा जो प्रयास है वो क्या है? व्यर्थ है, वो तो प्रयास व्यर्थ हो जाएगा है ना, ये सिद्धांती को कहना है। थोड़ी टीका है देखो, वाच्यस्य कर्मत्वस्य है, वाच्य जो विषय है वो कर्म है। जिज्ञासया, जिज्ञासा को लेकर के प्रथमम अपेक्षितस्य, सबसे पहले अपेक्षित है तो कर्म होगा, भाई जिज्ञासा का विषय क्या है यही अपेक्षित होगा। क्या जानना चाहते हो, तुम्हारे जिज्ञासा का विषय क्या है? तो ब्रह्म ही सबसे पहले अपेक्षित होता है ना, इसलिए प्रथम संबंध अर्हस्य, इसलिए सबसे पहले जो जिसका संबंध हो रहा है जिज्ञासा के साथ वो तो योग्य होता है, उसके साथ अन्व का परित्याग करके, अन्वय परित्यागेन पश्चात कथमचित अपेक्षितस्य संबंधी मात्रस्य, और कुछ जो अपेक्षित जो संबंधी मात्र है मतलब सामान्य संबंधी है उसके साथ संबंध करना है, ये तो सबसे पहले क्या होगा? जघन्य प्रथमा, ये तो जघन्य वृत्ति हो रही, ऐसी कल्पना ये तो गौण कल्पना है। लक्षण करना है, जो बिना लक्षणा से प्राप्त हो रहा है उसको छोड़ करके लक्षणा करना, ये तो फिर जो है व्यर्थ प्रयास होता है, ये बोलते हैं। ले प्रथमश्च जघन्यः, इले सबसे पहले जो प्राप्त था कर्मत्व तो उसकी कल्पना करना, ये तो जघन्य वृत्ति होगी। इति सुव्याहृत न्यायतत्त्वम्, इसलिए ये जो न्याय है तुम्हारा ये तो विरुद्ध हो गया, सामान्य सामान्य संबंध की कल्पना कर करके सामान्य संबंध में ब्रह्म भी कर्म के रूप से हो गया, ऐसी कल्पना तो ये तो व्यर्थ है। इसीलिए जो है प्रथमा परोक्ष अभिधानम च प्राथम्य प्राथम्य स्फुटत्व अभिप्राय,
प्राथम्य अप्राथम्य स्फुटत्व अभिप्रायम है। जो प्रत्यक्ष जो सबसे पहले प्राप्त होता है वो तो प्रथम होता है, और जो परोक्ष का कथन होता है वो गौण गौण होता है, प्रधान नहीं होता है, अप्राथम्य होता है। ये तो स्पष्ट ही होता है, जो सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा है वो तो प्रधान होता है, बाद में जो प्राप्त होता है परोक्ष रूप से वो प्रधान नहीं होता है। सबसे पहले ब्रह्म ही प्राप्त होगा जिज्ञासा का, विषय के रूप से, कर्म के रूप से, है ना, ये सिद्धांति को कहना है। चोदक स्वाभिप्रायम उद्घाटयति, आशंका करने वाला जो है अपने अभिप्राय को उद्घाटित करता है कि ना व्यर्थ। भाष्य में देखो कोई व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ क्यों नहीं है? ब्रह्म आश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात् इति चे। अरे भी ब्रह्म में जो आश्रित है समस्त विचार, अशेष विचार है भाई, उसकी प्रतिज्ञा हो रही यहाँ पर। ब्रह्म में आश्रित समस्त विचार क्या है? ब्रह्म में प्रमाण क्या है ना, साधन क्या है ब्रह्म को जानने में, उसका जो है अंतर्गत साधन, बहिरंग साधन, उसका प्रयोजन किया है। इस समस्त विचार की प्रतिज्ञा होने से हमारा प्रयास कहाँ व्यर्थ हुआ? सामान्य संबंध में षष्ठी को मानना जो हम कहते हैं, ये हमारा प्रयास कहाँ व्यर्थ हुआ? इति चेत ना, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? हैं देखो बताते ना के बाद सिद्धांत बोल रहे हैं। प्रधान परिग्रहे तत् अपेक्षितानाम अर्था आक्षितत्व। अरे भी प्रधान का जब ग्रहण कर लिया आपने, जो वस्तु प्रधान होती है उसका जब ग्रहण कर लेंगे तो उसमें जो अपेक्षित जो अर्थ होते हैं वो तो अपने आप प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्रधान वस्तु के ग्रहण करने पर उस प्रधान में जो अपेक्षित अर्थ होते हैं, साधन होते हैं, उसका ग्रहण तो हाँ अर्थापत्ति से ही प्राप्त हो जाता है। आक्षिप्त मतलब अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त हो ही जाते हैं। कैसे? देखो हम समझा रहे हैं, ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वाद प्रधानम। ये देखो भाई, ब्रह्म को ही तो प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्म को ही जानना चाहता है, इसलिए ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वाद, ज्ञान के द्वारा अत्यंत इष्टतम कौन है? ब्रह्म ही होता है, इसलिए ब्रह्म हो गया प्रधान, ब्रह्म को ही जानना चाहता है। है ना, इसलिए प्रधान होता है। ये सिद्धांत कुमुदी आदि होता है, जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त ग्रामम गच्छति, गमन रूपी क्रिया के द्वारा देवदत्त कहाँ पहुँचना चाहता है? अत्यंत इष्टतम कौन होते हैं? ग्राम ही होता है ना। कर्तुर इप्सतमम, इप्सततमम कर्म, आया ना सिद्धांत कुमुदी में, लघु में भी है कारक प्रकरण में। और रास्ते में जाते हो, बड़ा सुंदर फूल दिखता है, कहीं सरोवर दिखता है, झील दिखती है, क्या तमाम प्रकार के दिखता है, वो कर्म नहीं होता है आपका। हैं गमन क्रिया के द्वारा आप जिसमें संबंधित होना चाहते हो वही आपका कर्म होता है, वही कर्म कारक, यानी ग्राम ही कर्म कारक होता है। रास्ते में जितने भी होते वो आपका कर्म नहीं होता है, है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से क्या जानना चाहते हो? ज्ञान के द्वारा किसको जानना चाहते हो? ब्रह्म को ही जानना चाहते हो, इसलिए जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म ही होता है यहाँ पर, इसलिए ब्रह्म ही प्रधान है। क्योंकि जिज्ञासा रूपी जो कर्म है, मतलब जिज्ञासा रूपी जो क्रिया है, इस क्रिया का कर्म विषय तो ब्रह्म ही होता है, ये बोलते देखो, है ना। ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तो इष्टतमत्वात् प्रधानम्, ब्रह्म ही प्रधान होता है। तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि, इसलिए जिज्ञासा रूपी क्रिया का जो कर्म है वो होता है प्रधान। उसका परिगृहित हो जाने पर परिगृहते यही जिज्ञासिते ही बिना,
जिस जिज्ञासित पदार्थ के बिना ब्रह्म जिज्ञासितम न भवती, ब्रह्म जिज्ञासित नहीं हो सकता है, ब्रह्म को आप नहीं जान सकते, है ना। तानी अर्थ आक्षिप्तानी, वो तो अर्थापत्ति से ही प्राप्त हो गया। इति न पृथक सूत्र इतव्यानी, उसको अलग से यहाँ पर सूत्रित करना उचित नहीं है। जैसे एक दृष्टांत ले लेता हूँ, जथा राजा असौ गच्छति, जैसे कह दिया राजा जा रहा है, राजा जा रहा कहने से हैं तो राजा तो अकेला जाएगा नहीं, राजा के साथ जो है वो उसके सिपाही है, सेना है, रथ है, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा अशो गच्छति कहने से राजा हो गया प्रधान, प्रधान का ग्रहण हो जाने से हैं जो गौण होते हैं, सेना है, जो भी है अंगरक्षक है, वो तो प्राप्त हो ही जाते हैं, उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये होता है यथा राजा असो, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे प्रधानमंत्री जा रहे कहने से हवाई जहाज साथ में जा रहा है कि नहीं, ये पूछता है कोई? उसके जो फोर्स है वो जा रहे है कि नहीं जाए, ये थोड़ी पूछा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्म हो गया जिज्ञासा का विषय। जब ब्रह्म जब गृहित हो गया है ना, तो जो है ब्रह्म तो प्रधान है, तो जिज्ञासा तो अपने आप हो जाए कि ब्रह्म में प्रमाण साधन प्रयोजन ये सब आ ही जाएगा। ये बोलते हैं यथा राजा असु गच्छति इत्युक्ते सपरिवारस्य राज्यो गमन उक्तम भवति, तो परिवार के साथ तो राजा जाएगा ही जाएगा। परिवार कहने से सेना आदि हैं, ये तो उक्त हो जाता अपने आप, कहा दिया जाता है ना। अच्छा, इसलिए बोलते हैं। और कुछ विशेष कार्य है, फोन आ रहा है, रखता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।